आनंद विहार ISBT से बस भी और ट्रेन जो पकड़ते हैं, तो एक बहुत पुरानी डिमांड थी, उस बस की आज हम शुरुआत कर रहे हैं। कितने पैसेंजर इन बसों में चलेंगे उसके हिसाब से अगर ज़रूरत पड़ी तो उन बसों की संख्या और भी बढ़ा दी जाएगी। दिल्ली सरकार की जो भी बस है, चाहे वो दिल्ली में है या हरियाणा में है, उस पर निःशुल्क रहेगा और महिलाएँ जो हैं वो फ्री में ट्रैवल कर पाएंगी। सबसे अच्छी बात ये है कि एयर कंडीशन इलेक्ट्रिक बसेस रहेंगी। दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री अशोक गहलोत ने 3 नए रूटों पर DTC की बस सेवा की शुरुआत की है। आज अपने कार्यालय नजफगढ़ से उन्होंने इन 3 नए रूटों की बसों को फ्लैग ऑफ करके रवाना किया है। नजफगढ़ के जज्जर, बहादुरगढ़ से गुरुग्राम और जय विहार से आनंद विहार तक के लिए ये बसें अब दिल्ली की जनता की सेवा में उपलब्ध रहेंगी। इस मौके पर परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने दावा किया है कि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने वाले लोगों के लिए संजीवनी साबित होगी। देखिए हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। नजफगढ़ क्षेत्र से बहुत पुरानी एक डिमांड थी कि नजफगढ़ से एक डायरेक्ट बस हो आनंद विहार ISBT के लिए, क्योंकि काफ़ी भारी संख्या में ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे, और स्पेशली जब कोई भी त्यौहार होता है तो हमारे जितने भी पूर्वांचली भाई हैं और वो सब अपने अपने जो उनका नेटिव एरिया है, जो उनका गांव है, वहां जाने के लिए आनंद विहार ISBT से बस भी और ट्रेन जो पकड़ते हैं, तो एक बहुत पुरानी डिमांड थी, उस बस की आज हम शुरुआत कर रहे हैं। लंबा रूट है, लगभग 40 से 45 किलोमीटर का रूट रहेगा ये, और सभी बहुत खुश हैं। मैं सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। इस पूरे रूट पे अच्छी सर्विस रहेगी, यही मैंने DTC के जो अधिकारी उनको ये आदेश दिए हैं, ताकि किसी भी व्यक्ति को आनंद विहार ISBT जाने में कोई भी कष्ट ना हो। एक लंबा रूट है, नांगलोई पीरागढ़ी होते हुए फिर ये सीधा अपना आनंद विहार ISBT जाएगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो मेट्रो स्टेशन हैं उसको कवर करते हुए जाएगी, जो दूसरे इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं उसको भी कवर करते हुए जाएगी। तो एक पूरे इस क्षेत्र को, जितना नजफगढ़ क्षेत्र है उसको, दिल्ली के जो अलग अलग और एरियाज़ हैं, अलग अलग जो इम्पोर्टेंट इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, चाहे वो हॉस्पिटल हैं, मेट्रो स्टेशन हैं, ISBT हैं, उनको ये बहुत अच्छी कनेक्टिविटी देगी। तो मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ। तीन बसें डेडिकेटेड रहेंगी इसी रूट पर, और आज दूसरा जो दो और इम्पोर्टेंट रूट आज इनॉग्रेट कर रहे हैं, नजफगढ़ से झज्जर, इस पे मुंडेला कला डिपो से इलेक्ट्रिक बसेज, एयर कंडीशन बसेज रहेंगी। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट रूट है वो ये भी बहुत पुराना एक डिमांड थी इस एरिया की, बहादुरगढ़ से नजफगढ़ दौलताबाद होते हुए गुड़गांव, और बहुत अच्छी कनेक्टिविटी पूरे इस एरिया को, इंक्लूडिंग जो हरियाणा का क्षेत्र है, चाहे वो बहादुरगढ़ है, चाहे झज्जर है, चाहे गुड़गांव है, तो पूरे इस तरफ का जो NCR वाला एरिया है उसको भी अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी। सबसे अच्छी बात ये है कि एयर कंडीशन इलेक्ट्रिक बसेस रहेंगी, तो आने वाले जो काफ़ी सारे ऑफिस से भी जो लोग आते हैं, झज्जर से भारी संख्या में दिल्ली की तरफ आते हैं, बहादुरगढ़ से बहुत बड़ी संख्या में लोग गुड़गांव काम करने जाते हैं, आज के दिन सिर्फ वो प्राइवेट बसेस पर निर्भर हैं, आज के बाद उन सभी पैसेंजर्स को कोई भी कठिनाई की सामना नहीं करना पड़ेगा। और जो झज्जर वाली बस है, इस पर फिलहाल 3 बसें हैं और ये पूरा अप एंड डाउन रहेंगी, और बहादुरगढ़ वाला जो रूट है उस पर 3 बसें इस पर रहेंगी। मैंने ये भी कहा है साथ साथ कि कितने पैसेंजर इन बसों में चलेंगे उसके हिसाब से अगर ज़रूरत पड़ी तो उन बसों की संख्या और भी बढ़ा दी जाएगी। दिल्ली सरकार की जो भी बस है, चाहे वो दिल्ली में है या हरियाणा में है, उस पर निःशुल्क रहेगा और महिलाएं जो हैं वो फ्री में ट्रैवल कर पाएंगी। जैसे हमने बाढ़सा बस चलाई थी, आपको याद हो, हरियाणा में, तो वहाँ भी ये सवाल आया था, तो वहाँ भी मैंने यही कहा था कि अगर दिल्ली सरकार की बस है तो वहाँ भी महिलाएं जो हैं वो फ्री में चल पाएंगी। अभी गुभाना माजरी हमने बस चलाई थी, वहाँ भी महिलाएं जो हैं वो फ्री में सफ़र कर रही हैं।